उत्तर प्रदेश सरकार पौधरोपण के लिए लोगों को प्रेरित कर रही है। बाराबंकी के कमराओं में इस वक्त मैं मौजूद हूँ। यहाँ पर नवविवाहिता ने पौधा लगाया है, किसकी प्रेरणा से लगाया है, आइए जानेंगे, बात करेंगे उनसे, समझेंगे किसकी प्रेरणा से ये पौधरोपण हुआ। यहाँ काफ़ी भीड़ लगी हुई है, अभी कैमरामैन आपको दिखाएंगे। मेरे साथ मौजूद हैं नवविवाहिता शालू वर्मा, किसकी प्रेरणा से ये पौधरोपण कर रही हैं आप? हमारी ससुर जी ग्रीन गैंग पर्यावरण के संचालक हैं, उन्हीं की सीख से हमने पौधरोपण किया है और पर्यावरण हमारा जीवन है। क्या नाम है आपके ससुर जी का? सिर्फ प्रदीप सारंग जी। प्रदीप सारंग जी जो समाज सेवी हैं उनका जिक्र कर रही हैं, और यहाँ पे बहुत सारी महिलाएं हैं, इन लोगों ने, सब लोगों ने यहाँ पर पौधरोपण किया है, कई पुरुष भी मौजूद हैं, लेकिन प्रेरणा जो मिली है वो प्रदीप सारंग जी से मिली है इनको पौध लगाने के लिए। क्या संदेश और देंगी यहाँ पे मौजूद लोगों को और दैनिक भास्कर को? मैं यही कहना चाहती हूँ कि पर्यावरण हमारा जीवन का लक्ष्य है और सभी को पेड़ पौधे लगाना चाहिए। मेरे साथ प्रदीप जी हैं, और प्रदीप जी का जिक्र आया है तो प्रदीप जी से भी बात करना पड़ेगा। प्रदीप जी, आप शालू वर्मा जो अभी शादी होकर आपके परिवार में शामिल हुई हैं, आप उनके ससुर हैं, समाज सेवी हैं, आप ग्रीन गैंग आपने बनाया, बाराबंकी में बहुत लोगों को प्रेरित भी किया आपने, समाज सेवा जो आपकी है को, और लोगों के लिए क्या संदेश है बाराबंकी की और बहुओं के लिए? देखिए, वृक्ष प्राणवायु देते हैं, और जब शादी होती है ये इस तरह का अवसर आता है, बच्चा पैदा होता है, तो खुशहाल जीवन की कामना की जाती है। बिना प्राणवायु के जीवन ही संभव नहीं है, खुशहाली की बात ही अलग। इसीलिए हमारे स्वर्गीय साथी हरिप्रसाद वर्मा जी जो ग्रीन गैंग के संस्थापक सदस्य कहते थे कि हरियाली है तो खुशहाली है, यही टैग लाइन ग्रीन गैंग ने ली है। और ग्रीन गैंग ने जन अभियान बनाने के लिए मुंडन संस्कार, विवाह संस्कार, विदाई समारोह, या जब बच्चे फर्स्ट आते हैं, यानी खुशी, उल्लास, उमंग और सांस्कारिक अवसरों पर कम से कम एक पेड़ लगाने की अपील ग्रीन गैंग ने हमेशा किया है। क्योंकि हमारे आह्वान पर न केवल बाराबंकी, राजस्थान, गुजरात और अन्य प्रदेशों के लोगों ने इस मुहिम को पसंद किया है, तो जब हमारे घर बहू आई है तो वो पढ़ी लिखी है, वो स्वप्रेरणा से उसने इच्छा की कि नहीं हम भी पेड़ लगाएंगे, हमें प्रसन्नता हुई। और वो ना भी कहती तो भी पेड़ लगाना ही था, लेकिन दोनों बेटों ने उपस्थिति दी है, बहू ने पेड़ लगाया है। ये पेड़ एक संदेश देता है कि हर कोई अगर एक एक पेड़ लगाए, तो एक जब शादी हो तब लगाए, बच्चे हो तब लगाए, और कोई खुशी हो तब लगाए, तो एक व्यक्ति अपने जीवन में 40-50 पेड़ लगा देगा, तब जाके हरियाली पूरी होगी। अभी आपने सुना प्रदीप जी को, उनका संदेश है कि धर्म की तरह लोग इस अवसर को क्रिया में लाएँ, पौधों को लगाएँ, हरियाली को बना के रखें और उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाएं। बाराबंकी से ब्यूरो प्रमुख आमिर अली, दैनिक भास्कर।